दोनों के दोनों नहा रहे हैं कि बाथरूम में, ये दोनों, ये और ये। खाना बनाया पहले बताओ ना। ए, मेरी माँ भूख लगी मुझे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे पास एक बैग है और एक बैग है। तो हम जा रहे हैं अपने टूर पे, दिखाएंगे हम आपको कहाँ कहाँ जा रहे हैं। सो बी कंटिन्यू, हमारे साथ कंटिन्यू रहना। मिलते हैं किसी किस में, सही में बहुत ज्यादा जल्दी होगी। आप जाते हैं पहाड़ों की वादी में, तो गो। मेरे तीनों भाई, ये है शुभी भैया, जिनको शुभम भैया कहते हैं, एसडी पहाड़ी। ये है कौन कहता है ना, आकाश। और ये है अभिषेक, इसका भी यूट्यूब चैनल है, यूके अभी ब्लॉग से है ना, यूके 14 ब्लॉग है ना। सो आप देख सकते हैं, देखो व्यू पीछे का पूरा ही पूरा नेचर से भरा हुआ है। सो बने रहे, मजा आने वाला है। ये पहुंच चुके गरुड़ चट्टी, ये रहा बैक साइड। तो हम निकल चुके हैं, अब जाते हैं, दिखाते हैं पीछे का व्यू। देखो आई डोंट नो, लेकिन जो भी है अच्छी जगह है। आधे रास्ते पहुंच चुके हैं गांव के। तो मैंने बताया था ना कि हम अपनी ट्रिप लेके जा रहे हैं ऋषिकेश टू पौड़ी गढ़वाल, यानी कि अपने गांव जा रहे हैं। तो पहले तो ये प्लान हुआ था कि मैं ही सिंगल जाऊंगी, सोचा था मैं वहां जाके रहूंगी, क्योंकि मेरे कॉलेज की छुट्टियां पड़ चुकी है, इसलिए हम समर वेकेशन मनाने जा रही हूँ मैं। इस वजह से मेरे भाई और उन्होंने कहा कि हम भी चलेंगे, तो फिर इसलिए हम चार आए हैं, चारों के चारों, दोनों बाइक, दो बाइक में आए हैं, दो भी पीछे आ रहे हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं, तो मैंने कहा आपको यहाँ का सीन दिखाऊँ। और ना शाम होने लगी, मतलब हम कितने बजे निकले थे, 12 बजे निकले थे, शाम होने लग गई है और इतना सुंदर व्यू हो रखा है इधर, और ठंडा एकदम भाई। ऋषिकेश में जितना गर्म है ना, यहाँ ठंडा है, एकदम ठंडा है। इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ कि ऋषिकेश में मेरे बिल्कुल भी बस का नहीं था कि मैं रह पाऊँ। देखो कितनी अच्छी हवा भी चल रही है, ये देखो पीछे का व्यू। ये है गोलू भाई,
से हाय। गाड़ियाँ वगैरह भी आ ही रही है, लेकिन हमने सोचा कि हम अपनी गाड़ी पे जा सके, ताकि अगर हम कहीं और भी घूमने जाएं तो वो भी हम शूट कर सके। सो हम दादी के साथ वेकेशन मनाने आए हैं। देखते अभी हमने दादी को बोला खाना बना के रखना, तो देखते क्या क्या होता है, मिलते हैं। टैक्सी स्टॉप भी कहा जाता है, जहाँ पर टैक्सियाँ रुकती हैं। अब ये था इसे देखकर दिलने के भाई। तो अभी आप मेरा देख सकते हैं आज जूता भी ये छिल गया है, बिल्कुल केले की तरह समान है। हेलो दोस्तों, अब हम आपको लेकर जाते हैं प्याज स्वीट शॉप। ये यहाँ की सबसे पुरानी दुकान थी यहाँ पे। तो दोस्तों अपना यहाँ पे छोटी बहन बहुत थक चुकी है और पानी पी रही है, आप देखिए। सही में बहुत प्यास लग रही है। तो दोस्तों अब मैं भी थोड़ा सा अपना मुँह गीला कर लेता हूँ, बहुत थक चुका हूँ। और भी ले लेता हूँ, जो मर्जी ले लो यार, अपनी दुकान है, दिक्कत की कोई बात नहीं। ठंडू पानी है, इस पानी के आगे सारे के सारे पानी खत्म। रेफ्रिजरेटर का पानी भी फेल है। हमारे पहाड़ों का पानी है, एकदम निर्मल, एकदम ठंडू पानी, ठंडो पानी है हमारा, ठंडो ठंडो पानी। सो हमने दूली बाजार में ठंडू ठंडू पानी पी लिया है। अब हम यहाँ से आपके साथ थोड़ा गढ़वाली में बात कर लेंगे, लेकिन मैंने गढ़वाली में बात नहीं करी। हाँ, सो हमने दादी के लिए थोड़ा बहुत सामान ले लिया जो दादी खाती है, जैसे रस रूस वगैरह चाय चुई के साथ के। अब चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। बाय। चलो रे चलो मोटर गाड़ी, प्रोग्राम मत किसी को तुम भाई, इनका कोई भरोसा नहीं, कहीं पर भी ठोक देंगे। भैया ये हमारे हैवी ड्राइवर, बड़े ही हैवी ड्राइवर। ओह माय गॉड, हैवी ड्राइवर थे, बहुत ही खतरनाक। मेरे गाल दर्द हो गए पता है उसके, माय गॉड के सेंसी। तो हम पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा रह गया है बस। अब भाई हम बस चंद मिनटों में पहुंच गए हैं, पर नहीं आज ये पूछ रही कि अपनी गाड़ी में क्या दिक्कत है। हमारे घर है ना, हमारे घर
सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने गांव। पीछे देख रहे होंगे, बस अभी हमने गाड़ी पार्क की है। सो मैंने सोचा मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग पहुंच चुके हैं, अब जाके दादी के पास जाएंगे। बस थोड़ा सा क्या है कि हमारा गाड़ी का सिस्टम है, एक गाड़ी का पार्किंग का एरिया यहाँ पर है कि हम यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं, और एक ऊपर की साइड है जहाँ पर भाई और खड़े होकर, तो हम लोगों ने वहाँ पर खड़ी करी है। सो अब जाते हैं और दादी का सरप्राइज देते हैं, जाके बूम भाम करके आते हैं। तो उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको सिनेमैटिक शॉट। सर आता तो नहीं है लेना, लेकिन फिर भी ट्राई, आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो देखिए हमारे गाँव का शॉट। ये झाड़ लगा रही है ताकि कोई गाय गोई ना आए, लेकिन लगाया क्या है मुझे भी नहीं पता, पता करेंगे। सो ये मक्खियाँ लगा रही है, हमने भी खेत पे कोई लगा रखी है, देखो दिखाते हैं। चलो जब जहाँ था गया हम तो दगड़ियाँ कंछा तुम, अब हम यहाँ रह के थोड़ी गढ़ वाली भाषा का प्रयोग करेंगे, है ना। थोड़ी थोड़ी आती तो है नहीं वैसे खास, बट करनी पड़ेगी। ये देखिए ये भी मक्खियाँ बो रही हैं, है ना। एक पीछे ये घर है जो अब खाली हो चुका है, यहाँ से चले गए हैं दादी और रहते थे। ये देखो फाइनली हम पहुँच चुके हैं। वो दिखती ऐसे करो, हेलो हेलो हम पहुंच चुके हैं। दाई नमस्ते। नमस्ते खुश रहो। और कैसे हो? कैसे हो? बढ़िया। ऐसे हेलो बोल दो सबको। हेलो हेलो। खाना बनाया पहले बताओ ना। ये मेरी माँ भूख लगी मुझे। अब कला तुम बोल कला नहीं। हाँ मुझे भूख लग रही है। सो फाइनली हम सब पहुंच चुके हैं, अपनी पलटन पहुंच गई है। सुबह भैया दादी हाय कर दो सबको। हाय हाय। सही में हम सुबह से, पता सुबह से इनको बोल रहे थे कि ये दोनों के दोनों, ये दोनों, ये और ये एक बाथरूम में। बात नहीं भाई, भाई ये बाथरूम में ना सकते हैं। देखो आप क्या बोलना चाहोगे? देखो कानू भाई।